तुम्हें जो करना है मेरे साथ तुम कर सकते हो। अरे वो तो मुझे पता है कि आज पूरी रात के लिए तुम मेरी हो, लेकिन क्या है दोस्त बने तो ज़्यादा अच्छा है, एक दूसरे को जान लें। वैसे मेरा नाम हर्ष है, तुम्हारा चेहरा मासूम है, बहुत सादगी है इसमें। क्या हुआ, सही नहीं लग रहा? कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, आपको जो करना आप कर सकते हो। तुम दोस्ती नहीं करना चाहती हो तो हम जो करने यहाँ आए हैं वही करते हैं। अरे किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है? तुम्हें जबरदस्ती भेजा गया यहाँ पर? मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, मैं तो अपने किस्मत के हाथों मजबूर हूँ। क्या हुआ है मुझे बताओ। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, उनके ऊपर बहुत कर्ज है, हमें बहुत पैसों की जरूरत है। उन्होंने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए और वो कंपनी डूब गई। हमारे महल मालिक ने हमें घर से भी निकालने की धमकी दे दी। मैं बहुत मजबूरी में हूँ। मैं किस्मत का भी अजब खेल है, अच्छे दिन के लोग भी मजबूरी में ये सब करने आते हैं। अच्छा तुम शांत रहो, रोना बंद करो। तुम्हारा पति भी बहुत किस्मतवान है, इसको इतनी अच्छी पत्नी मिली है। अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, इसे रखो और जाके अपना घर बचाओ। पर आपने तो कुछ किया भी नहीं। अरे मैंने कुछ नहीं किया तो क्या हुआ, तुम्हारी तकलीफ तो सुनी, तुम्हारे बारे में जाना, इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है। तुम जाओ और अपना घर बचाओ, ठीक है, और आगे भी कभी कोई जरूरत पड़े तो बेझिझक मेरे पास। आप कितने अच्छे इंसान हैं, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरा कोई एहसान नहीं है, इंसान हूं मैं। वाकई में कितना खुश नसीब है इसका पति जो ऐसी औरत मिली। अच्छा पार्टनर होना जिंदगी में बहुत जरूरी है, लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। लेकिन साला अपनी किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है, दो बार शादी का प्लान किया, दोनों बार चीजें खराब हो गई। कोई बात नहीं, दूसरे की खुशी में ही खुशी मिलती है, बस काफी है इतना। हाँ थी तो मछली, उसे तो
तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तो फोन क्यों नहीं उठाया? जवाब दो रश्मि। इतने सारे पैसे किसने दिए तुम्हें? मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गई थी, उसी ने दी। झूठ मत बोलो रश्मि, तुम्हारी ऐसी कोई दोस्त नहीं है जो तुम्हें इतने सारे पैसे दे सके। सच बताओ, कहाँ थी तुम? ये क्या छुपा रही हो? मुझे अपना फोन दो। प्रॉस्टिट्यूशन सर्विस? तुम यहाँ गई थी रश्मि? नहीं। यहाँ गई थी या नहीं रश्मि, सच बताओ? पैसों के लिए तुम इतना गिर सकती हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी बात समझने की कोशिश कर, कुछ नहीं समझ रहा है। पत्नी के नाम पे ना धब्बा हो तुम, कलंक हो तुम। नहीं, और आज से मेरे साथ कोई रिश्ता मत रखना, अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। निकल जाओ मेरे घर से। तुम फिर से यहाँ पे? देखो, तुमने उस वक्त कुछ भी नहीं किया मेरे साथ। तुम्हें बड़ा शौक था ना सत्यवादी बनने का। तुमने बिना कुछ किए मुझे इतने सारे पैसे दे दिए। लेकिन घटिया तो मेरा पति निकला। उसे मेरी किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं है। तो इसमें तुम्हारा क्या फायदा हुआ? उसने मुझे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया है, जिसे मैंने इतना प्यार किया, जिसके लिए मैंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, उसे मेरी किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं है। तुमने मुझे पैसे दिए और कुछ भी नहीं किया। आज मैं खड़ी हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, और आज मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी।